हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सेकंड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 एड आर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 76। चैप्टर 10 एड आर पॉइंट्स। हमने अपने पॉइंट्स को क्या करना है ऐड, जैसे हम कुछ गेम्स खेलते हैं तो फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में क्या पॉइंट्स होते हैं उनको बाद उनको ऐड करना है। तो देखो, टोस द बॉल, हमने बॉल को क्या करना है, टोस करना है। जैसे गेम शुरू करने से पहले हम टॉस करते हैं कि कौन सी टीम की पहले टर्न आएगी। जैसे टू टीम्स होती हैं तो वो टॉस करने से ही पता लगता है। तो देखो, एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आर प्लेइंग, जो जंगल के एनिमल्स हैं वो खेल रहे हैं टर्न बाय टर्न बारी बारी में। यस, दे टॉस द बॉल, वे बॉल को टॉस कर रहे हैं ऑन देयर बैट्स अनटिल इट फॉल्स, अपने बैट्स के ऊपर बॉल को टॉस कर रहे हैं जब तक, अनटिल जब तक वो गिरती नहीं है। जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है, ये क्या है, टॉर्टवाइज है, और ये क्या है, रैबिट है। ये बैट के साथ बॉल को ऐसे उछाल के बार बार टॉस कर रहा है, जब तक ये गिरती नहीं है तब तो इसको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे ये गिर जाएगी तो ये दूसरी टर्न की बारी आ जाएगी, दूसरी टीम की। तो देखो बच्चों, क्या है, ईच प्लेयर, हर एक प्लेयर गेट्स टू टर्न्स, जितने भी प्लेयर्स हैं उसकी कितनी बार बारी आएगी, दो बार, टू टाइम्स। एंड बुन्नो रैबिट, जो बुन्नो रैबिट है एड्स देयर पॉइंट्स, तो फर्स्ट टाइम में कितना टॉस होता है, फिर दूसरे टाइम्स में, क्योंकि हर प्लेयर की टू टर्न्स होगी, तो दूसरे टाइम्स में कितना होगा, वो जो रैबिट है वो उनको ऐड करता रहेगा। ये इसके पास पेपर और पेंसिल है तो उनके पॉइंट्स को काउंट करेगा। व्हाट डू यू नाउ हाउ ही एड्स, तो आप जानते हो कि कैसे ऐड करते हैं। तो देखो बच्चों, यू टॉस द बॉल 14 टाइम्स, तो टॉर्टवाइज ने 14 टाइम्स बॉल को क्या करा, टॉस किया, यानी कि 14 बार उसने बॉल को उछाला बैट के साथ, और 15 जब वो 15 करने लगे तो उसकी बॉल फॉल्स हो गई, गिर गई, तो उसने 14 पॉइंट्स लिए। अब नेक्स्ट में क्या है, आई हैव वन मोर टर्न, तो टॉर्टवाइज रैबिट को क्या कर रहा है कि हमने अपने पहले ही कहा था कि टू टू टर्न्स आएंगी, तो अब उसके पास वन मोर टर्न, एक और बारी है। ओनली 7 टॉसेस दिस टाइम, तो टॉर्टवाइज ने इस बार कितने टॉस किए, 7, यानी कि 8 बार में जब 8 टॉस करने लगा, 8, तो उसकी बॉल क्या हो गई, फॉल। तो पहले उसने 14 बार किया, 14 टॉस, और सेकंड टर्न में 7। तो बच्चों देखो बच्चों, ये हमें स्नेक दे रखा है, स्नेक्स 1 से लेकर हमारे तक कितने नंबर हैं, 63 तक, तो हम इसमें ऐड करेंगे। देखो ये हमें करके भी दिखा रखा है, ये हमारा 14 नंबर है, उसके बाद देखो 15 नंबर पे, फिर 16, 1 2 3 4 5 6 7, मींस कितना हुआ, 21। तो 14 प्लस 7 कितना हुआ, 21। तो बच्चों वैसे भी अगर हम सिंपल ऐड करते हैं, 7 और 4 कितना होता है, 11, 11 का 1 और कैरी यहाँ पे 1 1 2, तो 21। पर हम इस स्नेक्स में ऐड करेंगे, तो आपने ऐड किया तो उसको कितने पॉइंट्स मिले, 2 टर्न्स में 21। अब बुनो कौन है, रैबिट है, एड्स ऑन द स्नेक, तो वो स्नेक पे ऐड कर रहा है, तो ये करके दिखा रखा है, टू ऐड 14 और 7, और बुनो स्टैंड्स कहाँ पे खड़ा हो गया, वो 14 पे, और 7 टाइम्स उसने फॉरवर्ड आगे क्या किया, जंप किया, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था, 1 2 3 4 5 6 7, फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना, ही रिच इज 21। तो यू कैन ऑल्सो ऐड पॉइंट्स ऑन द स्नेक्स, तो तुम भी स्नेक्स पे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। तो बच्चों ये भी कुछ क्या है, एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के कुछ एनिमल्स हैं, पहले हमारे पास टॉर्टवाइज और रैबिट था, अब देखो कुछ और एनिमल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फॉक्स है, तो फॉक्स ने फर्स्ट टर्न में 16 टॉस किए और सेकंड टर्न में कितने किए, 7, तो हमने 16 और 7 करने हैं, तो हम स्नेक की हेल्प से करेंगे। तो आप लास्ट पेज में जाओ, देखो बच्चों ये हुआ हमारा 16 में हमने कितनी बार जंप करना है, 7 टाइम्स, 1 2 3 4
5, 6, 7 तो ये हमारा कितने पे आया 23 पे। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 23। अब नेक्स्ट देखो ये है हमारा मंकी। मंकी ने फर्स्ट टर्म में कितना किया 18 और सेकंड टर्म में कितना किया 10। तो 18 के बाद 10 स्टेप्स क्या करेंगे हम फॉरवर्ड। तो ये भी देखो बच्चों 18 के बाद 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो कितना हुआ 28। तो मंकी ने कितने पॉइंट्स लिए 28। अब नेक्स्ट क्या है हमारा लायन है। लायन ने फर्स्ट टर्म में कितने किए 19 और सेकंड में 15। तो 19 के बाद हम 15 स्टेप्स क्या करेंगे फॉरवर्ड करेंगे। तो देखो बच्चों 19 हमारा ये रहा। अब हमने 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो 34 पर। तो देखो ये हमारे हुए 34 पॉइंट्स लाइन के। अब नेक्स्ट क्या है हमारा एलिफेंट। एलिफेंट ने फर्स्ट टर्म में 49 और सेकंड टर्म में 13। तो हम कैसे ऐड करेंगे 49 के बाद 13 स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे। तो देखो 49 हमारा कहाँ पे है ये रहा। 49 के बाद हम 13 स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो कितना हुआ 62। तो ये हमारा हुआ एलिफेंट ने पॉइंट्स कितने ऐड किए 62। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोई और हो तो। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉर्टवाइज। टॉर्टवाइज ने कितने करे फर्स्ट टर्म में 14 और 7। तो ये हमने पहले भी करा है 14 और 7 स्टेप्स। ये हमारा फर्स्ट था टॉर्टवाइज का। तो कौन से नंबर पे पहुंचा था 21 पर। तो ये रहा हमारा 21। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा बियर भालू। तो 33 फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में 11। तो 33 के बाद हम कितने जाएंगे 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो कितना हुआ 44। तो देखो बच्चों ध्यान से। अब हमारे सबसे पहले किसके हैं फॉक्स के 23 और मंकी के 28, लायन के 34 और एलिफेंट के 62 और टॉर्टवाइज के 21 और भालू के कितने हैं 44। तो देखो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। हु वन द गेम, किसने गेम को जीता। तो हमारे एलिफेंट ने जीता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एलिफेंट। और कितने हुए पॉइंट्स एट पॉइंट 62। अब नेक्स्ट हु लॉस्ट द गेम। लॉस्ट मीन्स हार गया जो जिसके सबसे कम है। तो देखो बच्चों ध्यान से किसके कम है हमारे ये हमारे टॉर्टवाइज के। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम टॉर्टवाइज। ये हुआ हमारा टॉर्टवाइज और कितने 21। द विनर गॉट बनानास फ्रॉम बुनो। तो बुनो कौन था हमारा रैबिट। रैबिट ने विनर को यानी कि एलिफेंट को क्या दिए बनानास केला दिया जो विनर था। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास गैस एंड टेल। हमने गैस करना है और बताना है। तो प्रवा इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर। जो प्रवा लड़की है ये देखो इस पिक में दिखा रखी है ये लड़की है ये अपनी दादी के जहाँ जा रही है। हु लिव्स इन द नेक्स्ट विलेज। जो कि जो ग्रैंड मदर है वो अगले गांव में रहती है। तो गांव कहाँ है इस नदी को पार करने के बाद। तो देखो शी वॉन्ट्स टू टेक 15 kg शुगर केन। शुगर केन मीन्स ये गन्ना ये शुगर केन है। तो 15 kg वो गन्ना लेकर जा रही है। 7 kg क्या लेके जा रही है एप्पल्स और 8 kg टोमेटोज ये दिखा रखे हैं। तो उसने 15 kg शुगर केन है और 7 kg एप्पल्स हैं और 8 kg क्या है टोमेटोज ये अपनी दादी के हाउस लेकर जा रही है। शी हैज़ टू क्रॉस ए रिवर। उसने एक रिवर को क्रॉस करना है पार करना है। इन द बोट। बोट में शी कैन टेक। बोट में क्या है वो सिर्फ ओनली 25 kg वेट लेकर जा सकती है। कैन शी कैरी ऑल द थिंग्स। क्या वो सारी चीज़ें लेकर जा सकती है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा एड अवर
ऐड आर पॉइंट्स, हमें अपने पॉइंट्स को ऐड करके पता लगेगा। तो हमारे पास क्या है, 15, 7 और 8, तो ये भी हम स्नेक की हेल्प से ऐड करेंगे। तो देखो बच्चों, पहले हम 15 पॉइंट्स पे जाएंगे, पहले हम 7 एप्पल्स ऐड करेंगे। 15 ये रहा, हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 15 और 7 कितना हुआ हमारा 22। फिर हमने 8 और ऐड करनी है, 23, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितना हुआ 30, 30, 30, तो 22 + 8, 30, तो वेट इन तीनों चीज़ों का कितना बनता है 30 kg, पर वो लेकर कितना जा सकती है 25 kg, तो वो लेकर नहीं जा सकती सारा, तो उसको कुछ छोड़ के भी जाना पड़ेगा। तो बच्चों इनका टोटल कितना हुआ 30 kg, पर वो कितना लेके जा सकती है 25 kg, तो 5 kg उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हमारा शुगर केन जो गन्ना है वो 15 kg है, अगर वो 10 kg शुगर केन ले जाती है और 7 kg एप्पल्स और 8 kg टोमेटोज, तो ये लेकर जा सकती है, ये 25 kg होगा, तो वो शुगर केन 10 kg लेकर जा सकती है। This time the kangaroo, chimp, deer, giraffe, tiger came to play. तो अब क्या हुए, जंगल्स के कुछ और एनिमल्स आ गए खेलने के लिए। तो देखो, what the tiger lost the game. तो टाइगर ने इस गेम को क्या करा, हार गया। तो देखते हैं कैसे हारा। He rubbed off some points in anger. उसने क्या किया फिर, गुस्से में जैसे वो गेम हार गया। जब बच्चों आप भी ऐसी करते हो ना, जब हार जाते हो तो सब कुछ लड़ाई करने लग जाते हो, जहाँ सब नंबर मिटा देते हो, तो ऐसे ही टाइगर को गुस्सा आया जब वो हार गया, तो उसने कुछ नंबर्स क्या कर दिए, रब कर दिए, उनको इरेज कर दिया। तो देखो हमने मिसिंग नंबर्स को लिखना है, राइट द मिसिंग पॉइंट्स। हु इज़ द विनर दिस टाइम, तो अब देखो ये हमारा रैबिट बुन्नो है, बुन्नो रैबिट, ये अब क्या कह रहा है कि इस टाइम देखो क्या विनर है। लॉस्ट का तो हमें पता लग गया, ये देखो टाइगर की कैसे शक्ल बनी हुई है, क्योंकि वो हार चुका है। अब देखो जिराफ है हमारे पास, चिंप है, डियर है और कंगारू है, तो ये देखते हैं इन्होंने कितने कितने पॉइंट लिए। तो फर्स्ट हमारा क्या है, टाइगर, तो हमें पता नहीं टाइगर ने क्या किया, फर्स्ट टर्म में तो उसने 16 नंबर्स लिए, पर उसने टोटल लिख रखा है 21, और ये बीच का जो सेकंड टर्म का था तो इसने क्या कर दिया, रब्ड ऑफ कर दिया, उसको इरेज कर दिया। तो हम 16 में स्नेक्स में जाएंगे और 21 तक पहुंचेंगे कि उसने कितने स्टेप्स फॉरवर्ड किए। तो ध्यान से देखना बच्चों, लास्ट पेज पे ये हमारा 16, हमने 21 पर जाना है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि उसने सेकंड टर्म में 5 steps फॉरवर्ड किए, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जिराफ, जिराफ ने पहले 8 किए, तो हम 8 पर पहुंचकर कितने पे जाएंगे 32 पर, जहाँ 30 ये ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ हम बैक जाएंगे 32 से हम 8 नंबर बैक जाएंगे। तो बच्चों मैं दोनों तरीके करके दिखाती हूँ, पहले हम 8 से 32 पर जाते हैं ऐड से। तो देखो बच्चों ये हुआ हमारा 8 नंबर, हमने जाना है 32 पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 32 पे हमने कितने के ये स्टेप्स 24, तो यहाँ पे 24 हो सकता है, जहाँ हम ये आप याद रखना 24 स्टेप्स। अब हम 32 से 8 स्टेप क्या चले जाते हैं पीछे, ये 31 एक स्टेप हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तब भी हमारा कितना आया 24। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, टू मेथड से, तो कितना आएगा 24। आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो, बैकवर्ड भी जा सकते हो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 16 है, फर्स्ट टर्म में उसने 16 लिए और सेकंड टर्म में कितने लिए 13, ये किसने लिए, हमारे डियर ने। तो देखो 16 के बाद हम 13 स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे, ये हुआ हमारा 16। अब हमने जाना है 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. तो कितना हुआ 29. नेक्स्ट हमारा एनिमल कौन सा है, चिंप. तो चिंप ने फर्स्ट टर्म में हमें पता नहीं है, टाइगर ने इरेज कर दिया. सेकंड टर्म में 5 है और टोटल उसने कितने ऐड किए पॉइंट्स, 35. तो हम 5 स्टेप से कितने जाएंगे, 35. जा 35 से 5 स्टेप बैक में जाएंगे. तो दोनों तरीके करते हैं हम. देखो बच्चों, 5 से हम 35 में, ये हमारा 5 नंबर. तो 35 तक देखो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 तक 10 हुए. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. तो कितने स्टेप्स हुए हमारे, 30 स्टेप्स हुए. अब हम 35 से बैक में जाएंगे 5 स्टेप्स. 1, 2, 3, 4, 5. तो हमारा कितना हुआ 30. तो दोनों टाइम्स में कितना आता है 30. तो यहाँ पे कितना ये नंबर्स लिए उसने, फर्स्ट टर्म में 30. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कंगारू. कंगारू ने फर्स्ट टर्म में कितने लिए, 23. और सेकंड टर्म का हमें पता नहीं है, तो टोटल उसने 30 लिए. तो 23 से हम 30 तक जाएंगे. तो देखेंगे कितने स्टेप्स लिए उसने. तो देखो बच्चों, 23, 30 तक जाना है हमने. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ओनली 7 स्टेप्स. तो यहाँ पे हुआ 7. अब देखो, फर्स्ट हमारा क्या है, टाइगर के 21, जिराफ के 32 और डियर के 29, चिंप के 35 और ये कंगारू के 30. तो आपको कौन सा लग रहा है विनर इसमें, चिंप लग रहा है. तो यहाँ पे हम विनर क्या लिखेंगे, चिंप. ये हुआ हमारा चिंप विनर दिस टाइम. तो देखो नेक्स्ट पेज नंबर क्या है, 79. अब देखो बच्चों, ये भी एक गेम्स है, हेड और टेल्स की. जैसे कि हम लूडो में खेलते हैं, हम लूडो में डाइस से खेलते हैं जिसमें 1, 2, 6 नंबर होते हैं. जैसे कि ये 1 और 6 से स्टार्ट होती है, अगर 1 आया तो गेम्स चालू हो जाती है. जैसे कि हमें ये देखो नीचे बॉक्स दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट होता है. स्नेक्स और लैडर वाली गेम्स भी होती है, इसमें हमारे 99 तक है, यहाँ पे हम गेम्स को ओवर कर देते हैं. तो ये हमने हेड और टेल से खेलना है. तो देखो बच्चों, ये है हमारा क्वाइंस. तो ध्यान से देखना इस क्वाइंस को. ये देखो, इसमें 1 बना हुआ है, कुछ ग्रेन्स के दाने हैं, इसको हम बोलते हैं टेल्स. और इसको बोलते हैं जो हमारा ये स्टेट एम्ब्लम होता है, इसको हम हेड बोलते हैं. इसको हेड और इसको टेल्स. तो हेड और टेल से खेलेंगे. अगर हमारा हुआ हेड ये स्टेट एम्ब्लम का, तो हमें 10 पॉइंट्स में मिलेंगे. अगर ये हुआ टेल्स, तो हमें ओनली 1 पॉइंट्स मिलेगा, यानी कि हम 1 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे. तो देखो बच्चों, गेम्स खेलते हैं हेड एंड टेल्स. हैव यू सीन द टू साइड्स ऑफ रुपीस कॉइन. तो इन्होंने दिखा रखा है, ये देखो हेड्स है जो स्टेट एम्ब्लम का है, और टेल्स का जिसमें 1 बना हुआ है, और क्या है ग्रेन्स के कुछ जाने हैं. तो विच साइड्स हैज 1, तो किसके आएगा, जिस पे हमें 1 नंबर मिलेगा. तो हमें टेल से क्या मिलेगा, 1 नंबर. जब यहाँ पे 1 लिखा होता है, ये हमारा टेल्स है. अगर ये आता है तो हम एक स्टेप्स एक आगे बढ़ेंगे, एक नंबर. अब देखो कौन कौन खेल रहा है, समीना एंड सादिद आर प्लेइंग. दोनों खेल रहे हैं. द बोर्ड हैज़ नंबर फ्रॉम 1 to 99. और इस बोर्ड में नंबर कितने हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 1 से और लास्ट कितने तक है, 99 तक. ईच प्लेयर हैज़ ए बटन. एक प्लेयर के पास, हर एक के पास क्या होगा, एक बटन होगा. दे टॉस ए क्वाइन. वे क्वाइन को टॉस करेंगे. इफ़ इट इज़ हेड, वही स्टेट एम्ब्लम का अगर हेड आएगा तो बटन क्या होगा, मूव्स होगा 10 स्टेप्स. बटन्स क्या हैं, ये हमारे नंबर्स हैं. तो देखो, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट में बता रखा है, सो इफ़ समीना इज़ ऑन 6, अगर समीना 6 पे है, शी मूव्स टू 16, अगर उसका हेड आता है. क्योंकि 6 और 10 कितना होता है, 16. तो अगर हेड आया तो उसको 6 से कितने 10 स्टेप्स फॉरवर्ड जाने पड़ेंगे. अगर टेल्स आता है तो ओनली शी मूव्स ओनली 1 स्टेप्स. तो देखो बच्चों, ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो पहले समीना 6 नंबर पे है, अगर उसका हेड आता है स्टेट एम्ब्लम का, तो वो 10 स्टेप्स क्या जाएगी, फॉरवर्ड. तो देखो 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 तो कितना हुआ 16 तो 10 स्टेप्स 6 इंटू प्लस ऐड करके 16 स्टेप्स. नाउ यू ऑल्सो प्ले दिस गेम. बच्चों आप इस गेम को खेल सकते हो. द वन हु रीचेस होम, जो सबसे पहले होम पे जाएगा 99 नंबर के बाद होम पे जाएगा, फर्स्ट विंस अ गेम. तो वो गेम को पहले जीत लेगा. इज देयर ए शॉर्टकट फॉर 10 स्टेप. ये क्या ये शॉर्टकट है 10 स्टेप्स का कि अगर हेड आता है तो 10-10 हम आगे बढ़ते जाएंगे. तो बच्चों जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा हेड ही आए, कभी टेल भी आ सकता है, कभी हेड भी. तो बच्चों ये गेम्स खेलने में आपको बहुत मजा आएगा, तो आप ये ट्राई करके देखना. तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ. सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर.